दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर आपका ब्रेन है। मैं आज आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा और इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत ही अचूक प्रयोग है और 100% मैं गारंटी कहता हूँ कि यह काम करता ही करता है और आपको रोगों से मुक्त करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। ब्रेन जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़, टोटल जो संरचनाएँ हैं, टोटल जो हमारी जो संवेदनाएँ हैं उनको नियंत्रित करता है और हमको उससे अवगत कराता है। ब्रेन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे शरीर में, यह तमाम तरह की संवेदनाओं को हम तक पहुँचाता है और उसको कंट्रोल भी करता है, अतः बीमारियों को भी ठीक करने की क्षमता रखता। मैं आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा। आप लोग कल मैं दो उदाहरण दूंगा, आप लोग ध्यान सुने और समझे और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें समझ पाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूअर से गुजारिश है यार, जरूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों, चलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर आपका ब्रेन है कैसे। दोस्तों, पहला उदाहरण दूंगा। एक माताजी मेरे पास आई थी, उनको सिर में दर्द रहता था, तमाम सीटी स्कैन, तमाम ब्लड टेस्ट और तरह के सारे टेस्ट हो गए थे, हमेशा नॉर्मल आता है और बरसों से परेशान थी। वो सो नहीं पाती थी, उनको नींद नहीं आती थी, परेशानी बेचैनी रहती थी, सिर में दर्द नहीं जाता था, माइग्रेन नहीं जाता था। तो मैंने उनको समझाया, क्या समझाया कि आपको सर में चमेली का तेल लगाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठ के प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है और ध्यान में ये कल्पना करनी है माइंड में यहाँ पे कि मैं रोगों से लड़ रही हूँ, मैं रोग मुक्त हो रही हूँ, रोग हमारे दिमाग से निकल के बाहर जा रहा है, रोग हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, मैं रोग कम हो रहा है और मैं रोग से ठीक हो रही हूँ, मेरा सिर दर्द आराम हो रहा है और आराम हो जाएगा। ये आपको प्रतिदिन कल्पना करनी है। कब करनी है? ब्रह्म मुहूर्त में, जब सब लोग घर में सोए हों, शांति अवस्था में करना है, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, उस ऐसे आप करो, आप देखो गारंटी है फ़ायदा होगा। दोस्तों, उन्होंने माता जी ने इस मेरी बातों को समझा और अपनाना शुरू किया। दोस्तों, करीब करीब 30 या 32 दिन लगा होगा और आकर बोली, डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द चला गया है, अब ठीक हूँ और मैं आराम सो पाती हूँ, बेचैनी वगैरह सब मेरी दूर हो चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं साबित कर दिया ना कि आपका सबसे बड़ा डॉक्टर ब्रेन है। दोस्तों, एक और बता रहा हूँ, एक नेता जी थे, उनको थोड़ी बहुत मतलब मानसिक रोगी थे, मैनिया टाइप की उनकी बीमारी थी, याददाश्त खो जाना और मतलब वो अपनी कोई चीज़ें याद नहीं रख पाते थे, वो भी परेशान थे, दवा का करा रहे थे सालों से भी, लेकिन उनकी याददाश्त की जो रिकवरी नहीं हो पा रही थी, ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो भी परेशान थे दवा करा के। हर एक मतलब बहुत सी कई कई जगह जो मनोरोगी हैं, डॉक्टर उनसे मिल करके वो भी उनको संतुष्ट नहीं मिली और उनको लगता था कि मैं ठीक नहीं होऊंगा या मेरी जो याददाश्त लौट कर नहीं आएगी, मैं भूलने की बीमारी से छुटकारा नहीं पाऊंगा। उन्होंने सारी दुखड़ा हमसे सुनाया, मैं ध्यान सुना, उनको समझाया, यही समझाया कि आप सुबह के टाइम में मतलब या तो शांत जगह चले जाएँ, किसी बाग बगीचे में, गार्डन में, जहाँ कोई ना हो, या फिर रात्रि के समय, या फिर मतलब मॉर्निंग अति मतलब मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके आपको ध्यान करना है, योगा करना है और कहना है, आपको एक कल्पना करनी है दिमाग में कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी याददाश्त शक्ति लौट आएगी, याददाश्त खोने की क्षमता मेरी पुनः वापस आ जाएगी, मेरी बीमारी बाहर निकल रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, गारंटी है ठीक हो जाऊँगा। आप यहीं प्रति कल्पना करनी है और प्राणायाम करना है, प्राणायाम समझते हो ना, श्वास रोक करके ही कल्पना करनी है, श्वास को लेना है और छोड़ना है धीरे धीरे, साथ साथ प्राणायाम भी करते रहना है और ये कल्पना भी करना है। तो इस चीज़ को आप लोग आजमा करके देखें, गारंटी मैं कह रहा हूँ, साबित होएगा कि आपका सबसे बड़ा डॉक्टर ब्रेन है। आप लाजमाएँ और लाभ उठाएं। दोस्तों, इसको शेयर कर ज़्यादा से लोगों को, ताकि आपके दोस्त यार भी चीज़ को समझ सकें कि दोस्तों ब्रेन की बहुत बड़ी भूमिका होती है बीमारी ठीक करने में, समझ गए। यदि आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।